टॉपिक के हवाले से मैं आपको अपडेट देने आई हूँ, वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट सोसाइटी इन पाकिस्तान। अभी इसके पास 2000 कनाल की लैंड है और ये LDA अप्रूव्ड लैंड है। Titanium Group. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मेरन सईद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसे कि व्यूअर्स, टाइटेनियम ग्रुप आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है, रेजिडेंशियल सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज हो या कमर्शियल सेक्टर हो। आज इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको अपडेट देने आई हूँ, वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो आप अगर GT रोड की तरफ से आते हैं, काला शाह काको इंटरचेंज के पास इसकी लोकेशन है, जो कि 2000 कनाल पर बेस है। दूसरी लोकेशन जो इसकी है वो मोटरवे के थ्रू अगर आप आते हैं M11 रोड पे, जो कि लाहौर और सियालकोट को जाती है, उसके थ्रू इसकी इजीली एक्सेस है। लाहौर स्मार्ट सिटी के सबसे पहले तो हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी आप कहीं पे बाइंग करते हैं तो हमेशा उसके डेवलपर्स की सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है कि उसके डेवलपर्स कौन है। तो मैं आपको ये बताते चलूँ तो ये हबीब रफीक ग्रुप जो है, इनके डिवेलपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी भी लाहौर में बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट की हुई है, जैसा कि एयरपोर्ट, मोटरवे, DHA और कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने पहले डिलीवर किए हैं। 2018 में इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है डिलीवर किया था इस्लामाबाद में, और रिसेंटली 2019 में ऑन द प्री लॉन्चिंग प्राइसेस इन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी को लॉन्च किया था। लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट सोसाइटी इन पाकिस्तान, जो कि काला शाह काको इंटरचेंज के पास है। अभी इसके पास 2000 कनाल की लैंड है और ये LDA अप्रूव्ड लैंड है। रिसेंटली लास्ट मंथ इनकी LDA अप्रूवल्स हुई थी, NOC सारे क्लियर हुए थे। अगर मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बताती चलूँ तो सबसे पहले जब कैपिटल स्मार्ट सिटी आया था तब भी इन्होंने 2000 कनाल की लैंड को CDA अप्रूव कराया था। देन इन्होंने ग्रेजुअली 5 कनाल, 10 कनाल और 65,000 कनाल तक की लैंड जो इन्होंने अप्रूव कराई थी, और अब तक इनकी सारी लैंड जो अप्रूव्ड हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी कैटेगरीज के हवाले से गाइड करती चलूँ तो इसमें सिर्फ 5 मरला और 10 मरला की कैटेगरीज मौजूद हैं, और सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं अभी तक जो कि ओवरसीज एंड एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। जब इस सोसाइटी को प्री लॉन्च किया गया था तब इसकी प्राइसेस ओवरसीज की 19 लाख थी और एग्जीक्यूटिव की 18 लाख थी, और अब चूंकि इनकी न्यू प्राइसेस लॉन्च हो गई हैं और विद इन दिस मंथ वो अब उन न्यू प्राइसेस पे ही आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होगी, जो कि 21 लाख एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है एंड 22 लाख ओवरसीज ब्लॉक है। ओवरसीज ब्लॉक्स की कंपैरेटिवली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में प्राइसेस इसलिए हाई हैं क्योंकि ओवरसीज ब्लॉक्स पहले डेवलप किया जाएगा और डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मशीनरी आ चुकी है और यहाँ पे तरक्याती काम हो रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी में अमेनिटीज इन्होंने जिस तरह इस सोसाइटी को बिल्ड करेंगे, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को बेस करते हुए यहाँ पे बिल्ड इन करेंगे, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, थीम पार्क हो गया, डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कमर्शियल हब्स, ये प्रॉपरली इस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी जो बुकिंग सिर्फ चल रही है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे चल रही है, और विद इन फ्यू मंथ्स यहाँ पे कमर्शियल भी लॉन्च हो जाएगा, और जैसे ही कमर्शियल लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली वो ओन पे भी जा सकता है क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है मार्केट में ऑलरेडी। ये सोसाइटी मैं उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए सोसाइटी में बेनिफिशियरी नहीं है क्योंकि अभी डेवलपमेंट काम हो रहा है, जैसे जैसे काम होगा इसमें प्राइसेस और इंक्रीज करती जाएंगी और ब्लॉक्स भी आते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर न्यू प्राइसेस आ चुकी हैं, लेकिन अभी स्टिल इस पर ओल्ड प्राइसेस पे भी फाइल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके ऊपर ओन आ चुका हुआ है। मजीद बुकिंग और डिटेल्स के लिए रिगार्डिंग दिस सोसाइटी और मैनी अदर सोसाइटीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, और ओवरसीज क्लाइंट्स मुझे व्हाट्सएप और ईमो पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।